नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। खिचड़ी 2 ने पहले दिन 1.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। एक मीडियम बजट की फिल्म के लिए यह एक संतोषजनक शुरुआत कही जा सकती है। यह फिल्म तकरीबन 1000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। बड़ी फिल्मों से टक्कर के बावजूद उसने अच्छा खासा कलेक्शन किया है। बता दें कि खिचड़ी पहला ऐसा शो है जिसकी शुरुआत स्टेज से हुई थी, फिर इस पर सीरियल बना, उसके बाद फिल्म और सीरीज बनी। अब फिल्म का दूसरा पार्ट भी रिलीज हो गया है। फिल्म में एक बार फिर सुप्रिया पाठक हंसा के किरदार में नजर आई। फिल्म खिचड़ी का पहला पार्ट 2010 में रिलीज हुआ था। अब 17 नवंबर 2023 को इसका दूसरा पार्ट रिलीज हुआ है। फिल्म को लेकर दर्शकों और ऑडियंस का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहे। फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन किया। इंडस्ट्री ट्रेकर के मुताबिक फिल्म दूसरे दिन भी लगभग इतना ही कलेक्शन कर सकती है। फिल्म के प्रोड्यूसर एक्टर जमुना दास मजीठिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि पीएम मोदी भी उनकी इस फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने पिछली बार फिल्म देखकर इसकी तारीफ भी की थी। इस बार भी उन्हें फिल्म का ट्रेलर भेजा गया है। पीएम मोदी के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि वो जल्द ही पूरी टीम के साथ एक मीटिंग करेंगे। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।